प्यारे विद्यार्थियों, एसवी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सर्विस टैक्स की एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सिखाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई सर्विस इंपोर्ट की जाती है तथा उस सर्विस से कोई प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो हमने जो सर्विस टैक्स पेड किया उसका हम रिफंड प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, तथा जब तक हमें रिफंड नहीं प्राप्त होता तो जो हमने यह खर्चा किया था सर्विस टैक्स की पेमेंट के लिए, तो यह हमारा एक करंट एसेट होगा। तो इसकी वोचर एंट्री होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपने ये एडजस्ट करना है, इनपुट सर्विस टैक्स क्रेडिट कहते हैं इसे, तो इसके लिए सबसे पहले आपने सर्विस टैक्स का फीचर शो करना है। जस्ट इसमें जाइए, सर्विस यस करना है, सर्विस टैक्स यस, सेट अल्टर यस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, जो इन्फॉर्मेशन डालनी है सर्विस टैक्स में आपके फीचर्स में होनी चाहिए। ओके, इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले अब दूसरा स्टेप है, हम परचेज करेंगे सर्विस, उसके लिए लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं, पार्टी का नाम मोहन है, अंडर सेकेंडरी क्रिएटर है ये हमारा, ठीक है, जिससे हमने सर्विस ली है। फॉरेन का बंदा है इसका, चलो फॉरेन का नाम लिख देते हैं जेम्स, ठीक है, इससे हमने जेम्स यूएसए लिख देते हैं, जेम्स यूएसए, हमने इससे सर्विस ली है। उसके अलावा एक मिनट, इसमें हमने एक गलती और की है, इसमें हमने जेम्स इसमें यस करना है, अप्लीकेबल होगा, ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के लिए हम इसको इसे सर्विस ले रहे हैं। अब हमने दूसरा क्रिएट कर लिया लेज़र, उसका नाम है सर्विस टैक्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, इंडियन रुपीस है, ये सर्विस टैक्स है। अब यहाँ देखो, आपने कौन सी सर्विस इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हम सर्विस ले रहे हैं फैशन की, हमारा काम गारमेंट्स का है, तो हमारा फैशन डिजाइनिंग सर्विस ले रहे हैं हम, ये लिखना आवश्यक है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक वॉचर और बनाएंगे, लेज़र और क्रिएट करेंगे, फैशन फैशन सर्विस परचेज्ड, परचेज अंडर परचेज अकाउंट रख लेते हैं इसको। यस, ये भी प्रभावित होगा, ये है इसका कैटेगरी फैशन डिजाइनिंग। ओके, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक तीन लेज़र क्रिएट किए हैं, फैशन सर्विस परचेज, इसको परचेज अकाउंट में किया, ये संडे क्रेडिट है, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमने रखा सर्विस टैक्स। अब हम वोचर एंट्री पास कर लेंगे, ये हमारा तीसरा स्टेप है, हमने यहाँ वोचर एंट्री पास करनी है, जस्ट हमने परचेज की करनी है वोचर एंट्री पास। तो पार्टी का नाम है जेम्स, यूएसए में रहने वाला है, तो हमने यहाँ इससे खरीदा है फैशन सर्विस, और नो एप्लीकेबल, एक मिनट चेक करते हैं, नो एप्लीकेबल। अब हमने क्रेडिट किया है,
अल्ट प्लस सी दबाइए आप, और आपके यहाँ स्टॉक की आइटम होगी फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन हमने शो कर दिया, कुछ नहीं करना हमने। फैशन जो डिज़ाइन है वो 2,50,000 की हमने सर्विस खरीदी है। अब सर्विस टैक्स है जो इसके ऊपर हमने पे किया, अब ये सर्विस टैक्स हो गया 12%। 30,000 2% एजुकेशन सेस है 600, और सेकेंडरी सेस है वो है हमारी 1%। ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो है 30,900 का सर्विस टैक्स पेमेंट है ये हमें प्राप्त होना है। इसके लिए हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने ये सर्विस इंपोर्ट की है यूएसए से, आगे इसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करना है गारमेंट्स में बनाकर। तो ये एज़ पर सर्विस टैक्स रूल्स रेगुलेशन ये हमें प्राप्त होनी है। सो जो चीज़ प्राप्त होनी है वो आपकी एसेट है। तो ये आपका, एक मिनट जस्ट वन मिनट, आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हमने अकाउंट इन्फो में एक न्यू लेजर क्रिएट करना है, जिसका नाम हम उस एसेट का नाम रखते हैं रिफंड, रिफंड ऑफ इनपुट, इनपुट सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इसको ब्रैकेट में कह दिए, ये क्रेडिट होना है अंदर फिक्स्ड। ये करंट एसेट आपने शो करना है अंडर, क्या रखना है करंट एसेट, क्योंकि ये हमारी एसेट है। और ये हमने इसको इसको इसको, बाकी सब कुछ ठीक है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं है, हमारी एसेट है, इसलिए यहाँ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉट एप्लीकेबल शो करना है। अब हमने एक वोचर टाइप भी क्रिएट करना है सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट के लिए, क्रिएट किया मैंने, इसका नाम रखा सर्विस सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट। ये असल में जर्नल में ऑप्शन पूछे, इसलिए जर्नल यहाँ लिस्ट ऑफ वॉचर्स जो शो करना है जर्नल शो करना है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक जो चलना है वैसे वैसे यहाँ आपने लिखना है सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये पूछेगा कि आपको किस चीज़ की एडजस्टमेंट करनी है, कहने हमने कहना है यस सर्विस टैक्स की हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो वहाँ यस हो गया, अब इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम वोचर एंट्री पास करते हैं, ध्यान से समझिए इसे। हमने वोचर एंट्रीज जो है ना अकाउंटिंग वोचर्स में गए, अब हमने जर्नल वोचर एक्सेप्ट किया, अब इसमें सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट की ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसमें से सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट आपने एक्सेप्ट कर लेना है। अब आगे चलिए, एक एंटर प्रेस कीजिए। अब यह पूछ रहा है सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट 6 अंडर 3 या 6 अंडर 4A, हम कहते हैं पहला ही है, रिफंड इनपुट सर्विस टैक्स की ऑप्शन आ गई है। ये अकाउंट डेबिट होता है, जो एसेट्स इंक्रीज इन द एसेट्स विल बी डेबिट, तो हमने इसको डेबिट कर दिया 30,900 से, हमने इसके डेबिट किया और क्रेडिट किया, क्योंकि हमें क्रेडिट चाहिए तो सर्विस टैक्स हमने क्रेडिट कर दिया, एज ए न्यू रेफरेंस देते हैं। इसमें 30,900 सभी कुछ इंक्लूड है, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी सेस, और अगर इसका बिल इतना है और इसके ऊपर सर्विस टैक्स 12% और ये 2% और ये 1%। ओके, तो ये आपकी एंट्री पास हो गई है फ्रॉम एक
जो मंथ है जिसका ले रहे हो आप वो आप शो कर दीजिए। अब इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब अपने बैलेंस शीट को आप खोलिए और इसमें डिटेल देखिए, ये आपकी करंट एसेट शो हो रही है, क्योंकि और ये जो ड्यूटीज है, ड्यूटीज को खोलें, सिंडिकेटर्स, तो इस तरफ हमारी पेमेंट थी सर्विस टैक्स की, और इस तरफ जब हम प्राप्त कर लेंगे इसको कैश में तो ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो हमने कोई भी सर्विस टैक्स नहीं देना, क्योंकि यह है रूल्स रेगुलेशन है, जो चीज़ इंपोर्ट की जाती है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो यहाँ कोई भी सर्विस टैक्स नहीं बनता। थैंक यू वेरी मच।